जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, क्या नाम है? मनोज कुमार पटेल, किसान पुत्र, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। क्या यहाँ पे आप लोग जो धरना दे रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है हमारे पूरे देश के किसानों की जो स्थिति है, जर्जर स्थिति है, वो हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकारों के कारण है। हमारा धान जो अभी हम लोग तैयार किए हैं, इसका सरकार कहती है कि हम जो है आपको 1975 रुपए का दाम दे रहे हैं, लेकिन दलालों के माध्यम से सरकार खरीद करवाती है। किसान का धान इस समय 1250 में ख़रीदा जा रहा है। हमारा सरकार से यही कहना है कि हमें जो है 2500 रुपए कुंटल का रेट दिया जाए और सरकारी खरीद करवाई जाए और 100 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसी तरह हमारी गेहूँ की मांग है कि हमारा 3000 रुपए कुंटल गेहूँ खरीदा जाए और 100 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से हमारे गेहूँ के में बढ़ोतरी की जाए हर वर्ष के हिसाब से। इसी हिसाब से हमारे गन्ने की यानी मांग है 600 रुपए कुंटल का हमारे किसानों का गन्ना खरीदा जाए, 100 रुपए कुंटल हर वर्ष बढ़ोतरी के साथ जो है लागू किया जाए। एक मेंथा की खेती है हमारे, खास करके उत्तर प्रदेश में किसान उसी पर मान चलिए टिका हुआ है। मेंथा की खेती को आज तक की सरकारों ने कृषि में नहीं जोड़ा, जिसके कारण हम लोगों का बरसात होती है, अगर हमारी खेती गल जाती है तो उसका हमें कोई प्रकार का मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं मिलता है। आज का जो धरना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य आप लोग किसी को ज्ञापन देने वाले हैं? राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे। इससे पहले मैंने जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन सबको जो है अपना ज्ञापन दे चुका हूँ। 15 दिन की मोहलत दी थी कि हमारा अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पे। कोई भी प्रकार का हमें उसमें वो नहीं मिला है। तब हम मजबूर होकर किसान जो है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से चलकर राजधानी दिल्ली के यहाँ जंतर मंतर पे आके बैठे हैं। अपनी बात राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से कहेंगे और ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित कराएंगे। आपका क्या नाम है? चंद्रभान सिंह पटेल। आप भी बाराबंकी से हैं? बाराबंकी से। अच्छा, ये बताइए कि यूपी सरकार और केंद्र सरकार ये कह रही है कि किसानों के हित के लिए हमने कई योजनाएं चलाएं, लेकिन पिछले कई दिनों से, लगभग 1.5 साल से, देश के अलग अलग हिस्सों में किसान धरना पर बैठे हैं और उसका एक हिस्सा आप भी बन चुके हैं। क्या ये सरकार किसान विरोधी है? देखिए भाई साहब, जहाँ सरकारों की बात आती है, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं और 75 सालों में जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने सिर्फ यही कहा कि हम किसान का भला करेंगे और मज़दूर का भला करेंगे। इस हिंदुस्तान के अंदर किसान और मज़दूर ऐसी दो कौमें हैं जिनके बल पर सरकारें बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन ये लोग सत्ता में आने के बाद किसान और मज़दूर की अनदेखा करना इनकी पहली पहल होती है। आज जो सरकारें दावा करती हैं कि हम किसान का भला करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज किसान गन्ना की खेती पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, आज सूखी लकड़ी की कीमत 500 रुपये प्रति कुंटल है, लेकिन आज जो हमारा किसान गन्ना पैदा करता खून पसीने की कमाई से, आज उसकी कीमत मात्र 375 रुपये बिचौलिया खरीद रहे हैं। आज वही हाल धान का है, वही हाल गेहूं का है। आज अगर मजदूर की स्थिति देख ली जाए तो आज मजदूर आज 300 रुपये की मजदूरी करता है। 300 रुपये की मजदूरी करने वाला जिंदा तो रह सकता है ना, तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है ना उनकी अच्छी ज़िंदगी। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग जो उत्तर प्रदेश से आए हैं तो वहाँ गन्ना के किसानों को भुगतान नहीं किया गया है या कम पैसे दिए गए? सालों साल बाद भुगतान नहीं होता, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तमाम तो, लाठी डंडा तो अखबारों में और चैनलों में जो बड़े बड़े पोस्टर चलते हैं कि हमने इतना गन्ना किसानों को भुगतान दिया, क्या वो सिर्फ दिखावा है? वो सिर्फ दिखावा है, सरकारें सिर्फ किसान और मजदूर के प्रति दिखावा करती हैं
उनको सही रास्ता नहीं देती हैं। गरीबी मिटाने का काम 75 सालों से सरकारें कर रहे हैं, लेकिन गरीबी आज तक मिटी नहीं है। आज जिस नेता को हम लोग वोट दे करके नेता बनाते हैं, वो नेता बनने के बाद अपनी पेंशन लेता है, 5 साल के बाद अगर वो विधायक सांसद नहीं रह जाता उसके बाद पेंशन लेता है, तो पेंशन लेने का राइट हमारे मतदाता को भी है। अच्छा, मेरा सवाल एक ये है कि आने वाले साल में जी 2-3 महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी जी, पिछली बार योगी सरकार जब 2017 में बनी जी, तो उस समय भी किसान वर्ग ने सरकार को वोट दिया। इस बार किसानों का क्या रुख होगा? इस बार जो भी वोट होगा वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट पड़ेगा। बीजेपी को किसान मजदूर वर्ग कतई वोट नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ छलावा किया है, सिर्फ जुमलेबाजी की है। आज उसका परिणाम सारे लोग भोग रहे हैं कि इलाज की बात दूर रखिए, जांच कराने के लिए हम लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं। अच्छा, जो खाद के आप लोग को जो खाद का बोरा खरीदते थे, यूरिया DAP, उसके रेट में पिछले 4 सालों में क्या बदलाव आया? अरे भाई साहब, रेट की बात आप दूर रखिए, इस समय खाद की बात करने वालों को लाठियों से स्वागत किया जा रहा है। खाद की आपूर्ति DAP की समय हम लोगों की ज़रूरत है। बाराबंकी जनपद में DAP की महामारी चल रही, लाठी चार्ज की जा रही है। आज जो आप लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले हैं, तो इससे क्या आप लोग को कुछ उम्मीद है? भाई जो भाई भारत के प्रथम नागरिक हैं महामहिम जी, मैं तो यही उम्मीद लेकर के आया हूँ कि वो हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। अच्छा, अगर इस पे सुनवाई नहीं होती है, कुछ परिणाम नहीं निकलती है, तो फिर इसके बाद आप लोग का अगला कदम? अगर इस पर सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग जनपद स्तर पर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश में। कोई संगठन भी आप लोग के साथ है? संगठन हमारे लोगों के साथ कई संगठन हैं, मैं खुद समदर्शी समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आगे अगर ये मांग आप लोग की पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन? हाँ, आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ का।